इस वक्त की बड़ी खबर है बूंदी से। एसीबी टीम की कार्रवाई दिखी है बूंदी में। 14,000 की रिश्वत लेते देई खेड़ा एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी ने एसएचओ मुकेशी मीणा को रंगे हाथ पकड़ा है। 10,000 की रिश्वत ले रहा था। अवैध रेती परिवहन के बदले रिश्वत मांगी थी और रिश्वत लेते हुए घूस लेते हुए रंगे हाथों एसीबी की टीम ने इसे दबोचा है। एसएचओ को गिरफ्तार किया गया 10,000 की रिश्वत लेते हुए। अवैध रेत परिवहन के मामले में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है बूंदी में। बूंदी से बड़ी खबर, एसीबी टीम की कार्रवाई दिखी है और 14,000 की रिश्वत लेते देई खेड़ा एसएचओ को मुकेशी मीणा को गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ मुकेशी मीणा 10,000 की रिश्वत ले रहा था और अवैध रेती परिवहन के मामले में रिश्वत मांगी थी, घूस मांगा गया था, इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है बूंदी से। एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। देईखेड़ा के एसएचओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 14,000 की रिश्वत लेते देईखेड़ा एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने एसएचओ मुकेशी मीणा को रंगे हाथ पकड़ा है। अवैध रेती परिवहन के बदले घूस मांगी गई थी। एसीबी ने दर दबोचा। अवैध रेती परिवहन के बदले जो घूस मांगी गई थी, इसके बाद एसीबी पहुंची और वहां पर उसे दबोचा गया। बड़ी खबर है बूंदी से। एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए देईखेड़ा के एसएचओ को गिरफ्तार किया। 14,000 की रिश्वत लेते देईखेड़ा एसएचओ मुकेशी मीणा को धर दबोचा गया है। नितिन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? 14,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, आगे क्या कार्रवाई होगी? आईएस, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां देईखेड़ा में एसएचओ है थाना अधिकारी देईखेड़ा की मुकेशी भाई मीणा, उनको 14,000 रुपए की रिश्वत लेते कोटा की टीम ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की बात करें तो हालांकि अभी पूरे मामले की पुष्टि नहीं हुई, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस बात मामले को लेकर ये रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी निकल के आई है, जो कोटा के एसीबी की टीम ने 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मुकेशी भाई मीणा को ट्रैप कर लिया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका बहुत शुक्रिया।